अच्छा आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में ना ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को स्टडी किया होगा ना, लेकिन उसमें जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती थी उनके जो बेस होता था ना वो नॉर्मली क्या होता था, वो होल नंबर, मतलब होल नंबर भी होता था और फिर दोनों साइड्स के बेस ना सेम हो जाते थे। अगर हमें अभी हम देखेंगे क्वेश्चन करेंगे हमें हमें रिकॉल हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखे ना यहां से, अब ये जो क्वेश्चन है सॉल्व गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 sig fig। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें देखे ना हम फॉर एग्जांपल जो आईजीसीएसई ओ लेवल में क्या होता था कि 5 power x और ये इज इक्वल 25, ये लिखा हुआ होता था तो हम कहते भाई ये क्या 5 की क्या पावर लें तो 25 आता। तो आप कहते 5 square है तो इट्स मीन एक्स की पावर एक्स 2 हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर ये सिचुएशन नहीं है, यहां पर हम ये दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। अब इसमें फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम लॉग लॉगरिथम से करते हैं इसको, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए देखें, तो अब दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड वी हैव नो अल्टरनेट अदर देन टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स। तो अब आपने आपका मर्जी है जो मर्जी लॉग ले, बेस जो मर्जी ले, व्हाट एवर द बेस। तो हम बेस 10 लेते हैं और जब बेस 10 होता है तो बेस लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे बेस 10। आप एलओ आप एलजी भी लिख सकती थी, ये पावर रूल लगाएंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग एलओजी हम एलजी लिखते हैं, यू भी लिख सकती है लॉग को, ठीक है ये। तो अब ये दिस इज अ नंबर, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, LG 7 over LG 5, ठीक है। और ये जो 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 10। अगर लॉ का बेस नहीं लिखा हुआ होता तो वो 10 उसको फिर हम 10 अंडर वो करते हैं, ठीक है, वी टेक देम कि वो हम कहते हैं बेस 10 वाला, बेस 10 में आप उसका बेस ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं। और ये जो 2 है ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा 1, चेक करें कैलकुलेटर से क्या आंसर आता है इसका, एक्स 0.1045 और अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इट इज 0.105 ये आएगा, ठीक है जी, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसको करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि दोनों एक का बेस 3 है दूसरे का बेस 4 है, वो बेस सेम नहीं, बेस को सेम करना पॉसिबल नहीं है, तो लॉग ले लेंगे। और जब लॉग लेंगे तो ये पावर का रूल अप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं लॉग 4, ठीक है जी। तो आप जरा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, एक्स एल जी 4 प्लस 5 एल जी 4, ठीक है। अब ये एक्स है ये एक्स है, जैसे वो नहीं करते सब्जेक्ट बनाते हैं जो आपने आईजीसीएसई और ओ लेवल में किया, मेक ए सब्जेक्ट, बिल्कुल वी विल ब्रिंग दीज टू टर्म ऑन द वन साइड और उसमें से फिर x कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 2 एल जी 3 और उधर का वो माइनस हो जाएगा एल जी 4, ठीक है।
और ये यहां पर है 5 LG 4। ठीक, आप इसे डिवाइड कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। चेक करें कैलकुलेटर से क्या आंसर आ रहा है। इस 2 को पावर बना देते हैं तो LG 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस LG 4। बताएं जी क्या आंसर है कैलकुलेटर से। The answer is 8.55 correct. ठीक है, to be done. तो ये इस तरह से हम करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें बेस को सेम करना जरा पॉसिबल नहीं है तो हम फिर लॉग ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नो सी दिस क्वेश्चन, दिस इज डिफरेंट। सर आप एक मिनट, अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे, इसमें आप देखें क्या करेंगे। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा, इफ यू लुक एट द केयरफुली, बेस सेम है दोनों का, इन दोनों का बेस सेम है, तो लेट्स डू सम मैनिपुलेशन हियर ना। इसको यू लिख सकते हैं 3 पावर x, लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर प्लस 7 3 पावर x इज इक्वल टू 50। अच्छा, एक तो ये कर सकते, पहली बात है आप इसका इसका लॉग नहीं ले सकते। अगर आप लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, इसका कैसे लॉग लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया ना। तो हम जब लॉग लेते हैं तो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसका लॉग ले ले तो वो सम ऑफ द लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज ऑलरेडी सम के अंदर है उसका लॉग लेंगे तो उससे हमारा कोई पर्पज सॉल्व नहीं होता ना, उसको हम कंबाइन भी नहीं कर सकते। ये इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू बी केयरफुल कि वी कांट टेक लॉग इन द स्टार्ट। तो लेकिन हमने देखा ये दोनों का बेस सेम है, तो हमने ट्राई किया कि इज देयर एनी पैटर्न। यस देयर इज पैटर्न। अब लेट कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं लेट ये 3 पावर x है, लेट्स मेक इट समथिंग एल्स, m कह देते हैं, ये बनेगा 2m2। सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ, ये यहां पर 3 पावर x है। हाँ ये 3 पावर x है, ये बन जाएगा 7m और 15 को यहां ले आएंगे। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वुड यू लेट मी नो के क्या आंसर आ रहा है m का। 1.5 और -5। क्या आ रहा है 1.5 और -5। हाँ ये आ रहा बेटा जी सर। ओके ओके, अच्छा चले अब m आ गए। अच्छा अब हमने क्या किया था, हमने कहा 3 पावर x इज इक्वल टू m, तो m ले लेते हैं 1.5। तो सेकंड ऑप्शन है 3 पावर x इज इक्वल टू m एंड m इज -5। ठीक है, अच्छा अब इस केस में अब देखें, अब हम लॉग लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लें, x क्या हो जाएगा, तो वो जो x 1.5 डिवाइडेड बाय लॉग 3, तो बताएं x क्या आएगा। तो आंसर आया 0.369 up to 3 significant. अच्छा अब इधर देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। देखिए ना, हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा, इफ यू रिमेम्बर, उसका ग्राफ किस शेप का होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आता है और फिर यू ऊपर शूट कर जाता है। इफ यू लुक एट द ग्राफ, इसकी जो वाई की वैल्यू है, इसका वाई ग्रेटर देन 0 है, इसका वाई पॉजिटिव है। क्या ख्याल है, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है ना बेटा। यस सर। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता,
तो ये दिस इज इम्पॉसिबल, ये वाला केस हम इग्नोर कर देंगे, निकाल देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 0.369 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. और इसको आपने वेरीफाई भी करना है, इसके अंदर पुट करके देखना है कि दोनों साइड्स बैलेंस आती है, तो वेरीफाई करें, देखिए बैलेंस आता है इससे. दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बैलेंस हो रहा है दोनों साइड्स. चलो, तो इट मीन ये हमारा वैलिड आंसर, वी विल टेक इट. आप चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ले जी, ये क्वेश्चंस है हमारे पास, तो आप ना इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ये ऊपर इसमें इस रो के अंदर जिसके अंदर बेस दोनों का सेम हो जाए, तो आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन करें, देखें आपका आंसर यार ये करके देखें. अच्छा, आप सेकंड ऑप्शन में देखें, सेकंड में यहां दोनों तरफ एक्स है, सेकंड में भी कोई एक करके देखते हैं, एक ये कर ले, थर्ड के अंदर थर्ड में से भी एक कर लेते, ठीक है. तो मैं इसमें से आई पार्ट में करता हूं, ये जो एल पार्ट है, तो फिर वो एक पार्ट आप कर लीजिएगा, तो देखते हैं एल, लेट्स लेट मी डू एल पार्ट. तो ओके जी, अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस टू है, उधर बेस थ्री है, तो वी कांट मेक बेस सेम. और फिर जो नंबर बार लिखा हुआ है वो फाइव है और ये फोर है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ. जब लॉग लूंगा तो मल्टीप्लाई की वजह से एड लॉग एड सम में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा जी, चलिए अब पावर का रूल लगा लेते हैं, और ये जो न्यूमेरिक किस्म के लॉग है, न्यूमेरिक वाले, उनको एक साइड पे ले जाते हैं और इनको एक साइड पे ले आते हैं, इस पे पावर का रूल लगाते हैं. तो x माइनस थ्री और इसमें भी लगाते हैं पावर, ये इसको इधर ले आते हैं. अच्छा माइनस है, एक मिनट है ना, माइनस है, अभी अभी जो पावर का रूल ही लगाते हैं, एक मिनट है. यू करते ना, मतलब स्टेप को ना, स्टेप अभी डोंट ट्राई टू ना स्किप द स्टेप. तो इनको इधर ले आते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा. चलो ठीक है, आने दे, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं. और इन दोनों को इधर ले आते हैं, इनको कंबाइन कर दे, माइनस हो रहे हैं ना तो डिवाइड हो जाएंगे, फोर ओवर फाइव हो जाएगा. और इसको भी कंबाइन कर देते हैं, लेकिन इसको कंबाइन करके फायदा नहीं होगा ना, क्या ख्याल है बेटा, है ना, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है ना, एम आई राइट? यहां पर अगर मैं कंबाइन करूंगा उसको मुझे एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो क्यों, एक तो कंबाइन करके देख लेते हैं ना, जरा चीजें क्लियर हो जाएंगे. कंबाइन करता हूं एल जी, अब ये बनेगा टू पावर एक्स माइनस थ्री और ये बनेगा थ्री पावर एक्स प्लस फोर. तो वो कोई वो अगर वो कोई एडवांटेज नहीं लेगा, अगर मैं इसको कर, बाद में जब इसको एक्सपोनेंट इसका इसको इसका रेसिप्रोकल एक्सपोनेंशियल लूंगा तो भी फिर बात वही की वही बन जाएगी जो जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. इसलिए लॉग यहां पर लॉग कंबाइन इसको इक्वेट नहीं कर सकते कि 2 रेस पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 3 रेस पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5.
यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं ले सकते, वो तब लेते हैं जबकि इक्वेशन इक्वल के दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ सिंगल लॉग हो, ठीक है, वो ले सकते हैं। आप देखिए ना, अगर मैं इसको कंबाइन कर दू, यानी कि इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दू, तो ये चीज बनेगी ना, ठीक है, और इधर ये चीज बनेगी, यस सर, इधर ये बनेगा फोर और फाइव। अब अगर मैं यहां पर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेकर लॉग को खत्म कर दू, तो वो मैं वापस उधर ही आ जाऊंगा जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ये देखे, अगर मैं, आप मुझे बताया ना, मैं यहां एक्सपोनेंशियल हूं तो 10 का ले लेता हूं, 10 का, तो 10 के 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2x-3/3x+4 = यहां से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन वापस नहीं आ जाएगा, क्या ख्याल है? जी बेटा, अंडरस्टैंड, वही क्वेश्चन वापस आ जाए। तो प्लीज, कहने का मतलब ये है, ये मैं इसलिए करके दिखाता हूं आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम लर्निंग कर रहे होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम लर्निंग के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम में जाकर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि माइंड जो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है, उसको ट्रेनिंग से उसको याद रहता है। अगर आप माइंड को ट्रेन नहीं करती और एग्जाम में बैठ जाती है, तो कहने को तो आपको आता है, लेकिन एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में टाइम शॉर्ट होता है, तो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से वो आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल नहीं होती जल्दी, जल्दी याद नहीं आता। और वहां बंदा फिर क्या करता है, फिर बंदा कहता है, अच्छा मैंने किया था, अच्छा ऐसे किया, वो ट्राई करना शुरू करता है, उस ट्राई के अंदर टाइम से जाया हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज है उनको आप घर में प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके माइंड पक्का एक मैथ स्टोर हो जाए कि भाई ये वाला जो रास्ता है, ये हमने अडॉप्ट क्यों नहीं करना, क्या रीजन है, वो आपके माइंड को पहले ही पता हो, एग्जाम के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। वी आर वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस कि इस साइड पे क्योंकि बेस डिफरेंट है, तो लॉग को कंबाइन करने का फायदा नहीं। लॉग कंबाइन हो सकते हैं, मतलब लॉग को कंबाइन कर सकते हैं यहां पर, लेकिन उसको कंबाइन करने का एडवांटेज नहीं है, बेस जो डिफरेंट है, वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस डिफरेंट है, लॉग का बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस डिफरेंट है, तो कंबाइन करने से हमें कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो बजाय लॉग को कंबाइन करने के हम पावर का रूल लगाते हैं, ये लॉग ऑफ टू, ये और लॉग ऑफ थ्री, और ये यहां पर लॉग ऑफ, यहां पर कंबाइन करने का हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इसे यहां पर हमने कंबाइन कर दिया, यहां पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेंज ये हमने कर लिया, ओके जी। अब ये क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई, बिकॉज हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स लॉग ऑफ, अब मेरी आदत बन चुकी है ना वो एल ओ जी लिखने की, तो मैं जरा उसके साथ कंफर्टेबल हूं, एल जी लिखता हूं तो कंफर्टेबल नहीं हूं, तो थ्री एल जी टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, एक्स एल जी थ्री, फोर एल जी थ्री, और एल जी फोर ओवर फाइव। ठीक है, अब इसमें और इसमें एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन ले ले और बाकी को उधर शिफ्ट कर दे, एल जी टू माइनस एल जी थ्री, ठीक हो गया जी। और ये जो दोनों हैं, इनको यहीं पर कंबाइन कर दे, क्योंकि दोनों के अंदर ना बस इनकी पावर ले, बस ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको ना मैं अभी वापस लिखता हूं, एल जी फोर लिखता हूं माइनस एल जी फाइव लिखता हूं, इसको ना अब इसको शिफ्ट करूंगा, तो ये बनेगा माइनस, प्लस हो जाएगा एल जी टू, टू का क्यूब एट बन जाएगा, और ये इसको इधर ले जाता हूं, ये थ्री की पावर फोर तो 64 बन जाएगा, प्लस एल जी 64, ठीक है जी। अब इन सब को जो है ना
इन सब को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एल जी जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको इसकी? जी बेटा ये बात समझ में आ गई है? जी सर। मैंने काफी क्विक करने की कोशिश की, अगर आपने स्टेप सारे शो करने हैं, नो नीड, डोंट बी क्विक इन द एग्जाम अंटिल अनलेस यू आर यू हैव अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस फ्लुएंसी। जब ये अच्छा चले जी, अब ये जो चीज है इसको भी यही कंबाइन कर दें, एल जी 2/3 बन जाएगा, उधर जगह डिवाइड कर दें, तो एक्स का जो आंसर आ गया ठीक है, ऊपर जो एल जी है उसमें 4 × 8 × 64/5 और जो नीचे एल जी है उसमें 2/3। तो कैन यू चेक इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर क्या आंसर आता है? -14.8। अच्छा आप यूं करें ना, इस क्वेश्चन को आप दोबारा करें, एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो वो बाकी क्वेश्चन करने की अभी जरूरत नहीं, वो बाद में कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को दोबारा करें क्या, ठीक है करें दोबारा करें प्रैक्टिस, क्योंकि जल्दी में मिस्टेक होगी होगी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसमें, उसको दोबारा करें, देखें एक तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी, चेक करके आंसर, ठीक है आई एम वेटिंग। जी आंसर आ गया आपका? जी सर। आपने वो और ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व एग्जांपल की थी ना, तो कैन यू गिव इट ट्राई, देखिए अब दोनों का बेस सेम है, वो बीच में प्लस है, हम यहाँ पर लॉग लॉग लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो इसको ट्राई करें जरा, फिर इसने आपको हेल्प भी दे दी कि भाई इसको आप इस शेप में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद कहता है इसको सॉल्व करें। जी इसको बाद में लेखा में इसको सॉल्व करेंगे ना, उसको ये देखे ना, अब यहां पर दोनों का बेस सेम है ना, तो उसको ब्रेक कर दें यूजिंग द रूल ऑफ इंडाइसेस, 2 × x × 2/1, इसको लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है? Yes. इसको भी रूल ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर दें, इंडाइसेस में जो बीच में डॉट होता है ये मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इंडाइसेस में डेसिमल तो नहीं होते ना, इसलिए वहां डॉट आपको डॉट से प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप ये 2 जो एक्स है इसको आप सपोज कर लें, लेट कर लें, ये जगह अभी ठहरे, अभी तो उसको हमने ये शेप लेकर आनी है ना, तो ये हो जाएगा 2 × x, अब ये पावर नेगेटिव है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 3 = 3, तो 2 × x। देखा वी हैव, हमारे पास वो आ गई ना, ये शेप आ गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसका लेट कर लेंगे, ये जो 2 × x है उसको हम सपोज कर लेते हैं समथिंग एल्स, इस दफा मैं कहता हूं जी ये तो w है, ये 2w बन जाएगा, ना भी सपोज करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही ना, क्वाड्रेटिक में सपोज करने से जरा थोड़ा सा कंफर्टेबल बंदा हो जाता है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो 5 हो जाएगा, 5 × 2 × x 12 और 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 12/5। आप दोनों तरफ लॉग ले लें,
तो पावर का रूल लगा दें, एक्स इधर आ जाएगा और जो लॉग टू है उसको डिवाइड कर, लॉग ऑफ 12 ओवर 5 डिवाइडेड बाय लॉग लॉग टू, तो बस ये आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल राइट, 1.26 आंसर। ये क्वेश्चन हमें इस तरह करने थे, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 है। सर आज के लिए इतना काफी। चलो ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ही हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बिल्कुल ये भी क्योंकि बीजे प्लस आ रहा है ना, तो टेक्निक वही है जो अभी हमने अडॉप्ट किया, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह।